बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, देश को लूट कर चले हैं हम बैंक चोर। जय एंटरटेनमेंट, जय मनोरंजन। अभी अभी सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में विजय माल्या और नीरव मोदी का बर्थडे, जन्मदिन, कर्जा एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, सरकार हमारे लिए एक नया स्कीम लेके आई है। अगर आप देश में रहना चाहते हो तो फिर आपको 2,50,000 से ज्यादा की कमाई का हिसाब देना होगा सरकार को, और टैक्स भी देना होगा, वरना आप 9,000 करोड़ और 11,000 करोड़ लेकर देश छोड़ सकते हो। बैंक चोर, बैंक चोर। हमारा इंतजार तो भारत की कई सारी बैंक कर रही है, लेकिन हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। पकड़ सको तो पकड़ लो, नहीं तो आम आदमी से वसूल लो। चाहे दुनिया के सारे बैंक लूट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी ने सुस्त बैंक ऑफ इंडिया पर नजर डाली तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। मेरा खाता वहीं पे है। मेरा नाम है छोड़ूमल चोपड़ा। जो मेरे खाते पे नजर डालेगा उसका तोड़ दूंगा मैं खोपड़ा। बैंक में पैसे रखो तो फिर नीरव मोदी का डर, आईपीएल में पैसे लगाओ तो फिर ललित मोदी का डर, अगर घर पे पैसे रखो तो फिर नरेंद्र मोदी का डर। हर हर मोदी, घर घर मोदी। वीआईपी लोगों को मिलता है LOU, मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और सरकारी कर्मचारी को मिलता है DA, डियरनेस अलाउंस, और आम आदमी को LOU प्लस DA जोड़ के मिलता है, हाँ वही, ये मैंने बोल रहा, परिस्थितियां बोल रही है। दोस्तों, मैं ये सेलिब्रिटी बनकर थक गया हूँ, नाम कमा के थक चुका हूँ। मैं एक गुमनाम की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अंडरग्राउंड होना चाहता हूँ दोस्तों। बस एक बार मेरा बैंक से लोन पास हो जाए, 2 रुपए की बॉल पेन को सुतली से बांधने वाली बैंक आज 11,500 करोड़ डुबा के बैठी है। सबका अपना अपना टाइम की बात है। भारतीय बैंकों की हालत करण अर्जुन फिल्म की माँ की तरह हो गई है। अभी भी आस है कि आएंगे मेरे विजय माल्या और नीरव मोदी, आएंगे आएंगे। सर सर, मुझे लोन चाहिए, लोन, मुझे लोन दे दो, लोन। अरे घबराओ मत, परेशान मत हो, देश छोड़ के नहीं भागूंगा, मैंने अभी पासपोर्ट नहीं बनाया, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। दोस्तों, कल मैं पंजाब नेशनल बैंक के ATM में पैसे निकालने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से पैसे नहीं निकले, वहाँ से एक पर्ची निकलाई, और पर्ची पे लिखा था, भाई तेरी कसम, जहर खाने के भी पैसे नहीं है, नीरव मोदी सारा पैसा ले गया। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को 11,500 करोड़ रुपए वापस करने के लिए गया था, लेकिन बैंक वालों ने उसे ये कह के भगा दिया कि अभी लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना, अभी हमारा सर्वर डाउन है, बाद में आना। मित्रों, घोटाला करने के बाद विजय माल्या प्लेन में बैठ के भाग गया, ललित मोदी भी प्लेन में ही बैठ के फुर हो गया, नीरव मोदी भी प्लेन में बैठ के भाग गया। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये एरोप्लेन ही है। तो आज से, आज रात 12 बजे से सारे एरोप्लेन बंद, नोटबंदी के बाद अब एरोप्लेन बंदी। मित्रों, 11,500 करोड़ और 9,000 करोड़ वापस आना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, वापस आना चाहिए। तो ये लो, आज से फ्रॉड रिकवरी सेस टैक्स 1%। अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करने से कुछ नहीं होगा, अपने बैंक अधिकारियों से लिंक अच्छे करोगे तो फायदे में रहोगे। दोस्तों, ये लोग तो भाग गए, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करके ही भागिएगा।